लगभग 15 से 20 घंटों का और इंतजार और पेन इंडिया के बड़े सुपरस्टार जेआर एनटीआर अपनी फिल्म देवरा पार्ट 1 के साथ आते ही बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने वाले हैं और 2024 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। तो अगर आप भी इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म देवरा पार्ट 1 की अभी तक की टोटल इंडियन एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। साथ ही आप सभी को बताने वाले हैं कि ये फिल्म ओवरसीज से कितनी एडवांस बुकिंग कर चुकी है और ये फिल्म कौन कौन सी बड़ी फिल्मों को पीछे कर चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें फिल्म की इंडियन एडवांस बुकिंग के बारे में तो यह फिल्म रिलीज के लगभग 24 घंटे पहले ही सिर्फ इंडिया से लगभग 30 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर चुकी है, जिसे अगर ब्लॉक सीट के साथ देखा जाए तो यह एडवांस बुकिंग 45 करोड़ से भी ज्यादा की है। ऐसे में अगर बात करें फिल्म के हाइप के बारे में तो फिल्म का हाइप भी काफी बेहतरीन देखा जा रहा है। फिल्म को बुक माई शो पर लगभग 8,04,600 इंटरेस्ट मिल चुके हैं, जो कि किसी फिल्म के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात होती है। ऐसे में अगर बात करें फिल्म के टोटल टिकट सेल्स के बारे में तो यह फिल्म इंडिया से ही अभी तक लगभग 12 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुकी है। वहीं फिल्म को लगभग अपने पहले दिन के लिए 15,000 से भी ज्यादा शोज मिल चुके हैं। ऐसे में अगर बात करें कि क्या यह फिल्म सालार और फिल्म कल की 2898 एडी को पीछे कर पाएगी तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फिल्म इन दोनों को काफी टक्कर देने वाली है, या फिर हो सकता है कि यह फिल्म इन दोनों फिल्मों को पीछे भी छोड़ सकती है। यह फिल्म ट्रिपल आर जैसी बड़ी फिल्मों को एडवांस बुकिंग में टक्कर दे चुकी है। फिल्म ट्रिपल आर ने अपने प्रीमियर डे के लिए यूएसए से टोटल लगभग 2.6 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, लेकिन फिल्म देवरा पार्ट 1 अभी तक लगभग 2.3 मिलियन डॉलर की कमाई यूएसए से कर चुकी है, जबकि अभी भी फिल्म के रिलीज में लगभग 12 से 15 घंटे का समय बाकी है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म अपने रिलीज तक फिल्म ट्रिपल आर को भी पीछे छोड़ देगी। अगर बात की जाए फिल्म के टोटल एडवांस बुकिंग के बारे में तो यह फिल्म इंडिया और ओवरसीज को मिलाकर अभी तक लगभग 65 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर चुकी है। वहीं फिल्म सालार ने लगभग 81 करोड़ की एडवांस बुकिंग अपने पहले दिन के लिए की थी और फिल्म कल की 2898 एडी ने लगभग 90 करोड़ की एडवांस बुकिंग की थी। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज आखिरी दिन फिल्म के कलेक्शन में काफी बेहतरीन जंप देखा जाएगा और कल सुबह तक ये फिल्म कल की 2898 एडी और सालार के काफी करीब पहुंच सकती है, या फिर हो सकता है कि इन दोनों फिल्मों को पीछे भी कर सकती है। ऐसे में अगर बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म अपने पहले दिन कम से कम 150 करोड़ तक की ओपनिंग इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस को मिलाकर करने वाली है। लेकिन फिल्म अगर सभी को पसंद आई तो ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में सालार और कल की 2898 एडी को पीछे करते हुए 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने वाली है। तो आप सभी इस फिल्म को देखने के लिए कितना एक्साइटेड और आप सभी को क्या लगता है ये फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड़ तक की ओपनिंग ले पाएगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।